शाहिद कपूर साहब का क्या कहना दोस्तों, इस बार उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे जो वापसी की है वो इतनी ज्यादा शानदार है, इतनी ज्यादा धुआंधार है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ शाशा भाई के ही चर्चे हैं। आइए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कबीर सिंह ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोध, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूं कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ आजकल यही कह रहा है कि अरे कबीर सिंह देखिए क्या, कबीर सिंह देखिए क्या, भैया आपको कबीर सिंह कैसी लगी, राहुल तुम्हें कबीर सिंह कैसी लगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि शाशा भाई की इस फिल्म ने 3 दिन के अंदर 70 करोड़ का अमाउंट कमा लिया है। अभी तक जो बजट सामने आया है फिल्म का वो 42 करोड़ का आया है और ऐसे में अब तो भाई सब जगह पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट छापेंगे मेकर्स, यानी कि संदीप वेंगा रेड्डी। सो अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म ने कितने कितने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया है। सबसे पहले तो इसने शाहिद कपूर की ही फिल्म का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है, वो है पद्मावत। पद्मावत रिलीज होती है 2018 में, जनवरी 2018 में, और इस फिल्म ने दर्शकों को खूब एंटरटेनमेंट का डोज दिया था, राइट। ऐसे में इस फिल्म ने जो फर्स्ट डे कलेक्ट किया था वो 19 करोड़ का किया था और शाहिद कपूर की इस फिल्म ने 20 करोड़ कमाए हैं, वो भी उस फिल्म में तो 3 बड़े सुपरस्टार थे और प्लस बंसाली सर का चांद था। इस फिल्म में शाहिद ही एक ऐसे बड़े सुपरस्टार थे, तो ऐसे में दोस्तों शाहिद कपूर की बहुत अच्छी ओपनिंग आई है और 20.21 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसने पॉइंट कलेक्ट किया है दोस्तों, जो रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, वो नॉन हॉलीडे फर्स्ट वीकेंड ग्रॉसर बन गई है। नॉन हॉलीडे को ये फिल्म रिलीज हुई थी फ्राइडे को, राइट। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम गली बॉय की बात करें या कोई और फिल्म की बात करें दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर रिलीज हुई थी कि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया था। ऐसे में शाहिद कपूर की इस फिल्म ने दोस्तों फर्स्ट वीकेंड में ही 70 करोड़ कमा लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लिमिटेड बजट लेकिन फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है। तीसरा जो रिकॉर्ड ध्वस्त किया है दोस्तों, साल की वो फोर्थ वीकेंड ग्रॉसर बन गई है। अगर बात करें तो वीकेंड ग्रॉसर में सबसे नंबर वन पर भारत आती है, फिर अगर बात करूं मैं दोस्तों तो केसरी आती है, अक्षय कुमार साहब की फिल्म, और फिर लास्ट तीसरे नंबर पर आती है गली बॉय, चौथे नंबर पर शाहिद कपूर अपनी फिल्म के साथ है, यानी कि कबीर सिंह के साथ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूँ, शाहिद कपूर की ये टॉप ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। शाहिद कपूर साहब ने अभी तक जो भी फिल्में दी हैं दोस्तों वो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस करती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फर्स्ट दिन बम्पर ओपनिंग नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर शाहिद कपूर को ओपनिंग ज़बरदस्त मिली है। और प्लस अगर आप देखेंगे तो कियारा आडवाणी की भी ये फर्स्ट टॉप ग्रॉसर फिल्म हो जाएगी। ओके, तो ऐसे में आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर फिल्म नहीं देखी है जाकर फिल्म देखिए और फिल्म को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि कबीर सिंह एक हार्ट मेल्टिंग लव स्टोरी है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसू भी आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या है कहना। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की बातें आपको बताता रहेगा। कीप ऑन वॉचिंग।